नमस्कार, ध्यान ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। कुंडली व्यक्ति के भाग्य का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो उसकी ताकतों से लेकर कमजोरियां, स्वास्थ्य, करियर और आर्थिक पक्ष को दर्शाता है। या फिर यूं कहें कि भाई कुंडली के 12 भाव मनुष्य के जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों की व्याख्या करते हैं। इन भावों में स्थित राशि, नक्षत्र और ग्रहों का अध्ययन ही भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देती है। और आज हम आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में बने एक ऐसे अद्भुत योग के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से दुनिया की कोई भी ताकत उनका पार भी बाका नहीं कर सकती है। कहते हैं कि जब सफलता आपके कदम चूमने लगती है तो दुश्मन खुद ब खुद बन जाते हैं, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। पीएम मोदी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, आज की तारीख में पीएम मोदी जी के चाहने वाले सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के आगे दुनिया की दिग्गज हस्तियां भी बौनी लगती हैं। दुनिया का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा देश जहां पीएम मोदी के कामों की तारीफ करता है, तो वहीं दुश्मन देशों की बौखलाहट उनके चेहरों से झलकती है। चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, हालात कितने भी गंभीर क्यों ना हो और दुश्मनों के इरादे कितने ही नापाक क्यों ना हो, हर मुश्किल का पीएम मोदी ने ना सिर्फ डटकर सामना किया है बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। और इसके पीछे की वजह है कुंडली में मौजूद शत्रु हंता योग। जी हाँ, विपक्ष या फिर नापाक पड़ोसी मुल्क, पीएम मोदी की बढ़ती ताकत के आगे कोई टिक नहीं पाता। और ये ताकत उन्हें देखिए कहीं और से नहीं बल्कि शत्रु हंता योग से ही मिलती है। देखिए, व्यक्ति की कुंडली में शत्रु हंता योग का निर्माण कैसे होता है, पहले ये हम आपको समझाते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार किसी के कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से नवम भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाए तो शत्रु हंता योग का निर्माण होता है। अब इसके लिए दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों या फिर उनका एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बनना चाहिए। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिनके कुंडली में इस योग का निर्माण होता है उनके दुश्मन या फिर विरोधियों को शिकस्त खानी पड़ती है, उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा पाती। और अगर इस योग में शामिल ग्रहों में मंगल शामिल हो तो व्यक्ति बेहद साहसी होता है, जोखिम उठाने से बिल्कुल नहीं हिचकता है और अपने कार्य क्षेत्र में देखिए इतिहास रच डालता है। अब अगर पीएम मोदी की बात करें तो उनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है जिसमें मंगल लग्नेश होने के साथ साथ छठे भाव का भी है, तो वहीं चंद्रमा नवम भाव का स्वामी यानी कि भाग्येश है। अब कुंडली में देखिए ये दोनों ही ग्रह वृश्चिक लग्न में बैठे हैं जो खुद मंगल की राशि है, और इस योग के साथ साथ मंगल का लग्न में होना उन्हें खासा साहसी बनाता है मोदी जी को। और यही वजह है कि जब से पीएम मोदी जी ने देश की कमान संभाली है तब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रति दुनिया के अन्य देशों का नजरिया वाकई में बदला है। शत्रु हंता योग के कारण पीएम मोदी के आगे ना ही विपक्ष टिक पाता है और ना ही देश के दुश्मन और ना ही दुनिया की कोई ताकत। अब इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि आज पीएम मोदी जिस मुकाम पर है उसके पीछे उनकी मेहनत और देशवासियों का तो साथ है ही, लेकिन इसके अलावा कुंडली में बने विशेष योग भी हैं।